हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डीजे संजय जोशी और आज फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिशियन संजय जोशी में स्वागत है। दोस्तों, आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा है। आज हम इस रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात करेंगे कि जो अभी दिल्ली में 3 दिन का डीजे एग्जीबिशन होगा, बहुत बड़ा, 21 से 23 जुलाई के बीच में प्रगति मैदान के अंदर जो एग्जीबिशन होगा, डीजे का जो प्रदर्शनी होगा, जहाँ पे आपको काफ़ी लाइटिंग्स स्टान कंपनी की, जिया कंपनी की, बाइसन कंपनी की, मोस्टली कहने का मतलब है जैसे अभी पाम एक्सपो में था बॉम्बे में 3 दिन का एग्जीबिशन, तो मोस्टली बहुत सारी कंपनी आपको यहाँ पे साउंड की एम्पलीफायर और मिक्सर और देखने को मिलेंगे। तो जो लोग बॉम्बे में नहीं आ पाए, जिनके बॉम्बे बहुत दूर था, महाराष्ट्र बहुत दूर था वहाँ आने के लिए, जो लोग यहाँ पे इवन हरियाणा से, जो लोग गुड़गांव की तरफ से, जो लोग दिल्ली की तरफ से थे, जो लोग राजस्थान की तरफ से, काफ़ी लोग नहीं आ पाए साउंड वाले क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा पड़ गया। तो जो दिल्ली है वो अपना मिडल पॉइंट है, दिल्ली सब लोग काफ़ी बार आते हैं साउंड सामान खरीदने के लिए। जो लोग पहली बार आना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली के अंदर एग्जीबिशन होगा वो बहुत मस्त एग्जीबिशन होने वाला है। वो आपको वहाँ पर सीरियसली बता रहा हूँ, आपको बहुत कुछ वहाँ पे एक नया कुछ सीखने को मिलेगा। आपको आपका जो अनुभव रहेगा वहाँ पे, जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा, वो सबसे अलग रहेगा। चाहे आप साउंड के अंदर 2 स्पीकर यूज़ करते हो, बात को ध्यान से सुनना, चाहे आप साउंड के अंदर 2 स्पीकर यूज़ करते हो, कोई ज़रूरी नहीं है आप मेरी तरह या दूसरे डीजे वाले की तरफ, आपके पास 50-50, 60-60 स्पीकर है, बड़े बड़े लाइनर है, टॉप है, बेस है, कोई मैटर नहीं करता। आपका ज्ञान बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपके पास ज्ञान होगा तो आप उस 2 स्पीकर में भी बहुत ज़्यादा कुछ पैसा कमा लोगे, क्योंकि आपको जब तक ज्ञान नहीं होगा कोई मतलब नहीं है दोस्तों। यहाँ पे मैंने बताया कोई मैटर नहीं करता कि कितने आपके पास सामान है, कितने आपके पास टॉप है, कितने बेस है, कितने लाइनर है, कितने आपके पास एम्पलीफायर है, कितने मिक्सर है, कितनी सारपी है, कितने स्मोक मशीन है, कितने आपके पास पीएफ है, कोई मतलब नहीं दोस्तों उससे। आपका ज्ञान बहुत मैटर करता है, इसलिए कहता हूँ कि आप वहाँ पे दिल्ली ज़रूर आइए। जो लोग बॉम्बे नहीं आ पाए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया, मैसेज किया, कॉल किया कि सर आपने हमें बॉम्बे का बताया नहीं, क्योंकि मैं क्या बताता बॉम्बे का, मैं खुद आप ये मान लो कि जैसे 26 तारीख को बॉम्बे का एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ और मैं खुद 27 को वहाँ पर पहुँचाऊँ, क्योंकि मैंने खुद ने हाथों किया था, क्योंकि मैं कहीं कुछ काम में व्यस्त था तो मुझे खुद के दिमाग से निकल गई थी एग्जीबिशन का, पर मुझे अचानक से याद है तो मैं बॉम्बे गया 2 दिन के लिए। अगर प्री प्लान होता तो मैं आप सभी को लोगों को सूचना देता मेरे चैनल से, तो इसलिए मैं आपको पहले से सूचना दे रहा हूँ, आप सभी के कॉल मैसेज के आए उसकी तरफ से, आप सभी लोगों को दिल्ली आना है। आप लोग ये मत सोचें दिल्ली हम पहली बार आ रहे हैं, बड़ा शहर है, कैसे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। सभी को मोबाइल आप मेरा वीडियो देखते हो वहाँ पे आने के बाद में, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ प्रगति मैदान सर्च करना, नहीं तो आप किसी ऑटो वाले को बोलोगे तब भी वो आपको प्रगति मैदान छोड़ देगा। अब बात रही दिल्ली आओगे कैसे, तो दिल्ली आप ट्रेन से आ सकते हो, बाई कार आ सकते हो, बस से आ सकते हो, प्लेन से आ सकते हो, जो आपके बजट में उसमें आप आ सकते हो। 3 दिन का एग्जीबिशन है तो कम से कम 1 या 2 दिन तो विजिट आप जरूर करो। 3 दिन करते हो बहुत अच्छी बात है, 2 दिन करते हो बहुत अच्छी बात है, बट 1 दिन तो जरूर आप उस एग्जीबिशन को विजिट करो। तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वैसे तो वहाँ पर मोस्टली मेरे हिसाब से ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन होगा जैसे अभी बॉम्बे में था, बट उसमें आपको थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, बट मैं आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का बताता हूँ ताकि आपको वहाँ पर आने से सीधा आपको एंट्री पास मिल जाए। तो दोस्तों वो कैसे करना है सारी डिटेल आपको इस वीडियो मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कौन से गांव से देख रहे हो, कौन से शहर से देख रहे हो, आपके साउंड सर्विस का क्या नाम है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग साउंड में कितना सामान यूज़ करते हो, कितने टॉप यूज़ करते हो, कितने स्पीकर यूज़ करते हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों मोस्टली अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और साउंड वाले भाई के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मैं इसी तरह साउंड के बारे में जानकारी देता रहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त डीजे संजय जोशी, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइज आपको ज़्यादा उलझना नहीं है, अगर आपके पास कोई लैपटॉप नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा मोबाइल में भी कर सकते हो। मैं आपको मोबाइल में करना सिखा रहा हूँ, वैसे आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में भी कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको अपना कोई भी वेब ब्राउजर या क्रोम ब्राउजर डाउनलोड कर लेना है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। उसमें आपको जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है इंडियन डीजे एक्सपो 2022 रजिस्ट्रेशन, ये आपको सर्च करना है। उसके बाद में जो पहला पेज आएगा, जो पहला वेबसाइट आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है, तो आपको ऐसा एक पेज शो होगा। तो ये इंडियन डीजे एक्सपो का है, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली, आप देख सकते हो 21 से 23 लिखा हुआ है उसमें, 21 से 23 जुलाई को होने जा रही है। बट दोस्तों कहने का मतलब है आपको कितना उलझना भी नहीं, अगर आपको सीधा पेज ओपन करना है तो जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप सीधा क्लिक करिए और यहाँ पर आप आ जाइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पर। तो मैंने अपने नाम से तो कर रखा है, तो मैं अपने पापा के नाम से कर देता हूँ। तो
मैंने अपने नाम से किया हुआ है पहले, तो मैं पापा के नाम से कर देता हूँ, बजरंग जोशी लिख दिया मैंने। और डेजिग्नेशन प्रोफाइल, इसका मतलब होता है कि आप अपने काम के अंदर कौन से पद पे हो। अगर आप जैसे साउंड का काम करते हो तो आपका उसमें पद क्या है, आप कोई ऑपरेटर हो, आप कोई लेबर हो, आप अगर मैनेजमेंट संभालते हो, या आप कोई और भी कोई काम पे हो, कोई अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो तो आपका अपना पद लिख दीजिए। बट मेरे पापा जो ऑनर है तो मैं ऑनर लिख देता हूँ यहाँ पे, काम के ऑनर है वो उस बिजनेस के। और जो आपका कंपनी मतलब आपके साउंड का क्या नाम है, या जैसे मैं अपना यहाँ पे म्यूजिशियन संजय जोशी भी डाल सकता हूँ मेरे कंपनी ने, मैं यूट्यूब का, बट मैं यहाँ पे अपने साउंड का नाम डाल देता हूँ, वो बहुत ही यूनिक है, आप सभी लोग को याद रहेगा मेरा साउंड का नाम, करोड़पति डीजे साउंड, बहुत ही यूनिक नेम है। और मेलिंग एड्रेस का मतलब होता है कि आपका कोई डाक का पता या अपना घर का पता, मोस्टली आप इसमें डाल सकते हो। तो मेरे घर के पास पोस्ट ऑफिस भी है, तो मोस्टली मैं वही एड्रेस इसमें डाल देता हूँ, इनसाइड जसूसर गेट नियर पोस्ट ऑफिस बीकानेर, बीकानेर नीचे आ जाएगा मोस्टली। तो आपको ये अपना एड्रेस डाल देना, जो भी आपका एड्रेस हो, ये मेरा वाला देखे सेम कॉपी मत कर देना, क्योंकि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। एड्रेस लिखने के बाद में आपको अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना कि आप कौन सी कंट्रीज हो। तो मोस्टली अपना इसमें एक ही कंट्री का नाम आ रहा है इंडिया का, तो इंडिया डाल दिया मैंने। अब स्टेट का नाम डालना, तो स्टेट का नाम में बहुत सारे राज्य है, जैसे सिक्किम है, उड़ीसा है, नागालैंड है, मिजोरम है, केरला है, कर्नाटक है, गुजरात है। तो मैं राजस्थान से, तो मैं अपना राजस्थान डाल दूंगा। आप जहाँ से भी हो, बिहार से, यूपी से, वो डाल सकते हो, वो आपको ऑप्शन इसमें मिल जाएगा। अब मैं राजस्थान में कहाँ पर रहता हूँ, मैं पर्टिकुलर मैं बीकानेर में रहता हूँ, तो मैं अपना यहाँ पे बीकानेर नाम डाल देता हूँ। अगर आप लोग जैसे कोई पर्टिकुलर गांव में रहते हो, वो गांव का नाम इसमें आ नहीं रहा है लिस्ट के अंदर, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं, आप अपने आसपास के कोई भी डिस्ट्रिक्ट का उसका नाम डाल सकते हो। अब पिन कोड जो मेरा है वो मैं डाल देता हूँ, आपके पर्टिकुलर कोई भी गाँव का या कोई भी मतलब शहर का पिन कोड है वो आप इसमें आसपास के डाल सकते हो, जो आपके लीगली आपके आपका आसपास मतलब जो समाग में लगता हो। उसके अलावा आप गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डालिए। उसके बाद मैं अपना नंबर डाल देता हूँ मैं, तो नंबर भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब ऐसा कोई है नहीं कि आप तो लोग सोचते हो कि ये सिम का होना चाहिए, वो सिम का होना, ऐसा कुछ नहीं, आपका मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। तो मैं नंबर डाल देता हूँ 789। और टेलीफोन नंबर अगर आपके पास घर पे कोई मतलब कनेक्शन, जैसे मेरे जियो का कनेक्शन है बट नंबर मेरे को याद नहीं है, तो मैं नहीं डालूंगा। आप टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर अगर आपके है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है कोई। आप अपना सीधा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि उसके अलावा ईमेल एड्रेस डालना है। तो दोस्तों जो ईमेल एड्रेस है वो आपको वही लीगल ईमेल एड्रेस डालना है जिस जो आपके फ़ोन में ऑन हो और जिसके ऊपर आपकी कोई जानकारी, इसको रजिस्टर करने के बाद में आपको एक उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, संजय सोनू 93@gmail.com। दोस्तों अब जो आपको ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है वेबसाइट, अगर आपको कोई वेबसाइट बनाए तो आप वेबसाइट डाल दीजिए यहाँ पे। तो मेरा वेबसाइट भी है और मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक भी है, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से शेयर करूँगा इसको और कॉपी कर लूँगा, तो आप दोनों वो भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे शेयर पे जाऊँगा और लिंक कॉपी करके वो डाल दूँगा, तो ये मैंने लिंक कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इतना उलझने वाली बात नहीं है, है तो अच्छी बात है। मोस्टली आपको अपना नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर और ये ईमेल एड्रेस, ये सही इन्फॉर्मेशन डालना है आपको, और कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अभी आपसे पूछ रहे कि जैसे आपने इतना सब कुछ कर दिया, तो उसने बाद में आपको ये पूछ रहा है कि यू रिप्रेजेंट बिजनेस, तो आप अपने व्यवसाय के अंदर क्या करते हो, आपका काम कोई सामान बेचने का है, आपका कोई किराए पर देने का सामान है, आप सही करते हो, या आपका कोई रेंटल कंपनी है। तो जो मेरा मेरा है वो डाल देता हूँ, और जो आपका है वो आप डाल दीजिए। जैसे पर्टिकुलर मैं डाल देता हूँ, मेरा एक ऑडियो रेंटल कंपनी है और डिस्ट्रीब्यूटर तो मैं नहीं हूँ वैसे, तो मैं नहीं डालूंगा, इंस्टीट्यूट नहीं अपना। और वैसे मैं अपना इंस्टीट्यूट वैसे डाल सकता हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पर आप लोगों को ज्ञान भी देता हूँ मोस्टली आप लोगों को, तो एक प्रकार का वो इंस्टीट्यूट ही हो गया मेरा, तो मैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट डाल देता हूँ। और म्यूजिक कंपनी है नहीं है मेरी, रेस्टो बार भी नहीं है, इंस्टॉलर सिस्टम इंटीग्रेटर ये भी नहीं है, क्लब भी नहीं है। अगर आपका कोई क्लब है तो आप उसका जो सिमिलर हो आप डाल सकते हो। और उसके अलावा लाइटिंग रेंटल कंपनी ये अपना है, तो कोई दिक्कत नहीं, रेंट पे अपने देते हैं। और उसके अलावा रेडियो स्टेशन नहीं है, रिटेलर नहीं है हम, स्टेजिंग कंपनी नहीं है, डीलर नहीं है हम। अगर कोई डीलर है तो डीलर वो अपना जो जो उसको आपको मिलता है वो डाल सकते हो। ये आपको मतलब ये बताना है कि आपका पर्टिकुलर काम क्या है उसके अंदर। तो उसके अलावा आप डीलर हो, डीलर नहीं हो। उसके अलावा रेंटल कंपनी, मैंने वैसे ऑडियो रेंटल कंपनी डाल दिया, मैं रेंटल कंपनी और डाल देता हूँ, और मैन्युफैक्चर मैं नहीं हूँ। तो जो मेरा पर्टिकुलर सिमिलर था वो मैंने डाल दिया। आपके अगर इसमें आप इवेंट वाले हो, आप कोई क्लब वाले हो, कोई रेस्टोबार वाले हो, आप अगर आप इंटीग्रेटर वाले हो या कोई आप इंस्टॉलर सिस्टम वाले हो, तो आप अपना सिस्टम के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपना पर्टिकुलर ऑडियो रेंटल कंपनी डाल दिया, लाइटिंग रेंटल कंपनी डाल दिया, मैन्युफैक्चर डाल दिया और रेंटल कंपनी डाल दिया। तो अपना साउंड रेंटल पर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये वगैरह स्टूडियो कोई, और उसके अलावा वीडियो रेंटल कंपनी, तो वीडियो रेंटल कंपनी तो अपना है नहीं, तो जो था वो मैंने डाल दिया, आपका सिमिलर हिसाब से डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो यू आर ए प्रोफेशन, मतलब मेन आप क्या हो, मेन आप हम डीजे के अंदर आप क्या हो, क्या पोस्ट पे हो, आप कोई इंजीनियर हो, सेल्स मैनेजर हो, टीचर हो, तो मैं सबसे पहले उसमें डाल देता हूँ मैं एक डीजे हूँ।
तो मैंने डीजे डाल दिया। उसके बाद में मैं एक रिकॉर्डिस्ट भी हूँ, और जो जो आपको मिलता है वो आप डाल दीजिए। मैं इंजीनियर भी हूँ साउंड के अंदर, और उसके अलावा मैं एक टेक्नीशियन भी हूँ। जो जो मेरा टैलेंट है वो मैं इसमें डाल देता हूँ, जो जो मेरा वर्क है जो मैं रात दिन करता हूँ वो साउंड के अंदर मैं डाल देता हूँ। जो जो आपका मिलता है वो पर्टिकुलर वो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप एक मैं कंसल्टेंट भी हूँ एक, और उसके अलावा जो आपको मिलता हो सर नहीं आप सारे भरो, आप एक भी भर सकते हो, उसमें सर जरूरत नहीं है। आप पर्टिकुलर एक जो भी आपका काम वो भी भर सकते हो। सेल्स मैनेजर मैं नहीं हूँ, टीचर एज ए पर्टिकुलर मैं यूट्यूब पर आपको सभी लोगों को टीच करता हूँ, तो मैं टीचिंग में भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक प्रमोटर नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ कंपनी का पर्टिकुलर वैसे प्रमोट नहीं करता, जो मैंने यूज़ किया मैं उसी को प्रमोट करता हूँ, तो मैं प्रमोटर नहीं डालूंगा। और मैनेजर भी नहीं हूँ, डायरेक्टर भी नहीं हूँ, आर्टिस्ट भी वैसे मैं आर्टिस्ट हूँ, मैंने संगीत के अंदर एमए किया हुआ है, बीए एमए पढ़ाई की हुई है मैंने संगीत के अंदर, वैसे मेरे को गिटार वोकल सब आता है, तो मैं एक आर्टिस्ट भी, तो मैं ज़रूर इसको डालूंगा। पर्टिकुलर आप ज़रूर नहीं सारा मेरा जैसा देख के भरो, आप अपने हिसाब से आधा भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उस। तो इतना भरने के बाद मैं आपको बताता हूँ, अब जो हमारा ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है योर इंटरेस्ट। तो आप वहाँ पर आओगे तो आपका इंटरेस्ट किस में रहने वाला है मोस्टली, तो वहाँ पे आने के बाद भी कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी बात कर सकते हैं हमारे साउंड के अंदर इंटरेस्ट मोस्टली किस चीज़ों में रहता है। तो मेरा दोस्तों केबल्स एंड कनेक्टर्स में रहता है, सॉरी केबल्स एंड कनेक्टर्स में रहता है, डीजे एसएसएस में रहता है, फ्लाइट केस में रहता है, एम्पलीफायर में रहता है, सॉरी एम्पलीफायर फ्लाइट केस में रहता है, एम्पलीफायर में रहता है, और तो थोड़ा चलाने में थोड़ा हार्ड हो रहा है, और उसके अलावा क्लब लाइटिंग में रहता है, और डीजे स्टेज गियर में रहता है, लेजर लाइट में रहता है, वीडियो सॉल्यूशन में रहता है, और उसके अलावा ऑडियो सॉफ्टवेयर में भी रहता है मेरा इंटरेस्ट, क्योंकि साउंड का काम करते हैं तो मुझे सभी ये चीज़ पसंद आती है, और मुझे सब में इंटरेस्ट है, मैं सबके बारे में जानकारी कहीं ना कहीं बटोरता रहता हूँ। उसके अलावा क्लब साउंड के में भी है मेरा इंटरेस्ट, और एंटरटेनमेंट लाइटिंग में भी है मेरा, और कहने का मतलब पर्टिकुलर जो जो आपको उसमें सही लग रहा है आप भर दो, सारा भर दो, कोई भी अगर सारा उसे भरोगे तो कोई मतलब नहीं, जो आपका इंटरेस्ट है वही भरो। एलईडी स्क्रीन वॉल्स में भी है मेरा, और स्टूडियो गियर में भी है, मोस्टली मैंने इतना फील किया, आप अपने अकॉर्डिंग फील कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये कह रहा है कि पर्पज़ ऑफ़ योर विजिट, वहाँ पे आपके आने के क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों मेरा सबसे पहले तो है मीट सप्लायर, ठीक है, और मीट सप्लायर हो गया। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो ये कह रहा है इवोल्यूशन ऑफ शो फॉर पार्टिसिपेंट इन 2019, कि आप अगर उसमें कुछ उसका इवोल्यूशन कर रहे हो, मतलब आप उसका वैल्यूशन निकालो कि 2019 में कैसा था, 2022 में कैसा होने वाला है। तो दोस्तों मैं 2019 में गया नहीं तो मैं उसको फील नहीं करूँगा, आप लोग गए तो आप उसमें फील कर दीजिए। नेटवर्क का मेरा रहेगा कि कैसा नेटवर्क है, गैदर इन्फॉर्मेशन मैं फील करूँगा, परचेज प्रोडक्ट के बारे में मैं फील करूँगा, मेरा उद्देश्य ये भी है, मुझे प्रोडक्ट भी वहाँ पर परचेज करना है। और उसके अलावा एक ऑप्शन और है, वो आप देख लीजिए, आप फील करो, बाकी मेरे हिसाब से आपको वही उसमें फील करना है जो आपका उद्देश्य हो वहाँ पे विजिट करने का पर्टिकुलर, ठीक है। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप एक अदा ऑप्शन भर दीजिए, क्योंकि अगर आपको आना मेन ये आपका मेन यही उद्देश्य है कि आपका आने के बाद वहाँ पे कुछ ना कुछ सीखना देखना, तो आप भर दीजिए। आप ये पूछ रहे हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन इसकी कहाँ से मिली, इंडियन डीजे की इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली। तो मोस्टली आपको अगर पहले से पता था वो अच्छी बात है, अगर आपको फेसबुक से मिली फेसबुक डाल दीजिए, मैगजीन से मिली मैगजीन में डाल दीजिए, स्पेशल इनवाइट आपने किसी को अगर किसी ने आपको किया तो वो भी डाल सकते हो, इंडस्ट्री कलीग में अगर किसी ने बताया तो, बट आपको मेरे से पता चल रहा है तो एज ए आप उसमें ये भी डाल सकते हो वेबसाइट, क्योंकि मेरा एक यूट्यूब चैनल है तो आप वेबसाइट डाल दीजिए उसमें कि भाई मेरे से आपको पता चला है। अगर इसमें ये ऑप्शन आता कि आपको पर्टिकुलर किस से मिली है, नाम भी पूछता आप मेरा नाम भी डाल देते, कोई दिक्कत नहीं थी, और यू वर इन्फॉर्म थ्रू ये लिखा हुआ है, तो मैंने पर्टिकुलर मुझे भी मुझे पता चला था मोस्टली पर्टिकुलर मुझे इसके बारे में पता चला था लिंक्डइन से, और उसके अलावा मुझे पता चला था रिटेल आउटलेट से, तो मैं वो भी डाल देता हूँ। बट आपको जिसे पता चला है फेसबुक से मैगजीन से स्पेशल इनवाइट से, हाँ मुझे मोस्टली स्पेशल इनवाइट भी है, तो मैं ये भी वो भी डाल दूंगा। बहुत सारी साउंड की कंपनियाँ हैं जो मुझे स्पेशल इन्वाइट भी कर रही है, अभी बॉम्बे में भी किया था मेरे को और दिल्ली में भी कर रहे हैं जो अपना स्टॉल लगाते हैं वो लोग, तो उनका भी मैं डाल देता हूँ। उसके अलावा आप अपना जो भी पर्टिकुलर आपका मैच होता है वो आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैं बता रहा हूँ तो वेबसाइट भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंडस्ट्री कलीग अगर आपको है तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट एंड प्रोसेस करना है। तो सबमिट एंड प्रोसेस कर दिया तो आप देख सकते हो ये बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं। ऊपर ईमेल भी आ गया, मैं भी आपको ईमेल भी दिखाऊंगा क्या ईमेल आया है। ये कह रहा है योर इंक्वायरी फॉर इंडियन डीजे एक्सपो 2022 विजिटर हैज़ सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग योर कीन इंटरेस्ट फॉर द 2022 एडिशन ऑफ द इंडियन डीजे एक्सपो न्यू दिल्ली, ऑफ यू हम लोग फ्रॉम हियर ऑन वी शैल कीप यू अपडेटेड ऑन द डेवलपमेंट्स एंड सेल रेगुलर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑन द पार्टिसिपेटिंग एग्जीबिटर्स एंड ब्रांड्स ऑन डिस्प्ले। दिस प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन सेल ऑल्सो इंश्योर दैट योर नेम बैज एंट्री बैज इज मेड रेडी एंड डिस्पैच टू यू इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। एंड उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है इसका, तो आपको जो आपने नंबर डाला और आपने जो ई मेल दिया उसके ऊपर आपको आपको इसका जो एंट्री वाला जो भी इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट होगा वो आपको मिल जाएगा। जैसे एग्जीबिशन हो रहा है 21-22 जुलाई का, तो ये लगभग आपको 5-6 तारीख के आसपास आपके ई मेल पर मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ उसमें दिस प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन सेल ऑल्सो
तो ये आपको जो एंट्री बैज है बैज वो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपके नाम के साथ में रेडी हो जाएगा। और टेक केयर, स्टे सेफ, मास्क अप टू कीप योर एंड योर फैमिली हेल्थी। तो ये थोड़ा आपको कोविड की वजह से ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, मास्क और पहनना है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो एक ईमेल आया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला ईमेल आया था लास्ट वाला, तो इस ईमेल में क्या आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। योर इंक्वायरी फॉर इंडियन डिजाइन एक्सपो 2022 विजिट रहे सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ये लिखा हुआ है, मतलब आपने रजिस्टर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग योर कीन इंटरेस्ट फॉर द 2022 एडिशन ऑफ द इंडियन डिजाइन एक्सपो न्यू दिल्ली। फ्रॉम हियर ऑन विच सेल, वही बात लिखी है जो वहाँ पर लिखी हुई है, और इसमें लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन सेल ऑल्सो इन्श्योर दैट योर नेम बैज एंट्री बैज इज मेड रेडी एंड डिस्पैच टू यू इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो ये आपको डिस्पैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपके ईमेल के ऊपर, और तो आपको ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, ये आपका मोस्टली रजिस्टर हो गया और आपको ज़्यादा सर दुखाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मोस्टली इतना ही था, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल आप देख सकते हो 89,000 सब्सक्राइबर है, आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है जल्दी से उसको 1 लाख करवाइए। और मैं काफ़ी वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे देख सकते हो साउंड के बारे में बहुत सारे वीडियो अपलोड करता हूँ मैं, तो आप इन वीडियो को देखिए। और आपको एग्जीबिशन के बारे में कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप ये पाम एक्सपो वाला एग्जीबिशन देख सकते हो, पहला वीडियो पाम डीजे एक्सपो 2022 मुंबई का, काफ़ी ये 53 मिनट्स का वीडियो है, तो ये भी आप देखिए आपको काफ़ी एंजॉय मिलेगा। तो आप मुझे सपोर्ट करिए, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और डीजे वाले भाई के साथ ज़्यादा से शेयर करें, और जो लोग इनसे इंटरेस्ट है उनको ज़रूर दिल्ली लेके आइए ताकि उनको भी बहुत कुछ वहाँ पर सीखने को मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राम राम।